आधी रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा देवरिया। मंचलों की हिमाकर, पुलिस ने एनकाउंटर से सिखाया सबक। सीसीटीवी से खुला घिनौना कांड, अपराधियों में कोहराम। कानून को जो अपने हाथों में लेगा उसको हमने साफ संदेश दिया कि याद रखना, कानून को हाथ में लोगे तो या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर राम नाम सत्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शब्द। यूपी में जो अपराध को गले लगाएगा उसका अगले चौराहे पर राम नाम सत्य हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ये बात कड़े शब्दों में सत्ता संभालते ही समझा चुके हैं। इसी का नतीजा है कि ना बदमाशों को छोड़ा जा रहा है, ना अपराधियों को बख्शा जा रहा है। हाल ही में देवरिया में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को सबक सिखाया गया। दरअसल 4 अक्टूबर को बाइक सवार कुछ लड़कों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों पर खाल बनकर टूट पड़ी। सीसीटीवी की मदद से 2 आरोपियों को ढूंढ निकाला और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 4/10/2024 को थाना तरकुलवा क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना घटित हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना तरकुलवा पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में इन अभियुक्तों की पहचान की गई। आज यह सूचना मिली कि ये अभियुक्त सिरसिया मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और उनकी घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहां जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं, जो मूल रूप से बैकुंठपुर थाना तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं। फिलहाल एनकाउंटर में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चलिए विस्तार से पूरा मामला भी बता देते हैं, आखिर क्या 4 तारीख की घटना क्या थी। दरअसल थाना तरकुलवा क्षेत्र की रहने वाली 2 छात्राएं साइकिल से परीक्षा देकर वापस लौट रही थी, तभी बाइक सवार 4 मंचलों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद चिल्लाते हुए छात्राएं मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागने लगी और एक छात्रा मौके पर ही गिर गई। जब छात्राएं तेज तेज चिल्लाने लगी तो मौका देख मनचले भी वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस से मामले की शिकायत की गई। पुलिस की 5 टीमें बदमाशों की तलाशी के लिए लगाई गई, जिसमें एसओजी टीम को भी शामिल किया गया, जिसके बाद देर रात पुलिस को सूचना मिली कि 2 बदमाश धीरज पटेल और ऋतिक यादव छुपकर कहीं भाग रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। तभी पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। फिलहाल दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, इलाज जारी है, जिन्हें जेल भेजा जाएगा आगे की कार्रवाई करते हुए। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि देवरिया के थाना तरकुलवा में कुछ लड़कों की एक गैंग है जो आए दिन स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करती है। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है, जल्द ही उन्हें भी पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन जिस सख्ती से अब पुलिस कार्रवाई की कर रही है उस पर भी अब विपक्षियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ साफ शब्दों में कह चुके हैं जो अपराध करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं।